उधर राष्ट्रपति चुनाव को लेकर महिला सांसद काफी उत्साहित हैं। राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने के बाद संसद परिसर में महिला सांसदों ने अपनी खुशी जताई है। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने कहा, द्रौपदी मुर्मू की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि इससे सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। और राष्ट्रपति चुनाव का बड़ा मुकाबला और महिला सांसद एक कतार में आप देख सकते हैं, वोट डालने के बाद हेमा मालिनी भी मौजूद हैं, अन्य सांसद मौजूद हैं, काफ़ी उत्साहित हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण पल है आपके लिए महिला होने के नाते। ये महत्वपूर्ण दिन है, आज नामांकन भी हो रहा है उपराष्ट्रपति जी का और राष्ट्रपति का, हम लोगों ने जाकर अभी वोट दिया है तो बड़ी खुशी हो रही है कि जो सिलेक्शन जो हमारे प्रधानमंत्री ने किया बहुत बढ़िया किया। और महिला सांसद होने के नाते एक महिला आदिवासी महिला 75 साल बाद वो राष्ट्रपति बनेंगी, ये संभावनाएं हैं, कितना आश्वस्त हैं आप? बनेंगे 100% वही बनेंगे। हम सब महिलाएं हैं ना, सपोर्ट करने के लिए महिलाओं का आशीर्वाद उनके साथ। अभी पार्लियामेंट हमारा ही है। हाँ बिल्कुल, राष्ट्रपति भवन भी। कितना बदलाव होगा अगर देखें महिला राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी, कितना बदलाव लाएगी? जिंदगी से बहुत कुछ बदलेगा क्योंकि हमारी पार्टी भी साथ में है ना, तो बहुत अच्छा ही होगा। उनको प्रेसिडेंट बनाया वही तो बदलाव है, वही तो बदलाव है, जनजाति है, महिला है, वही तो बदलाव है, सबसे बड़ा बदलाव है। और काफ़ी उत्साहित है महिला सांसद और निश्चित तौर पर ये काफ़ी बदलाव लेकर आएगा ये दावा वो कर रहे हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण मुकाबला इस वक्त राष्ट्रपति चुनाव का, लिहाजा इस परिणाम पर नज़रें लगी हैं। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।